कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के जादुई प्रदर्शन के दम पर भारत ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे T20I मैच में एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि भारतीय टीम यहां से मैच हार जाएगी, लेकिन फिर इसी मोमेंट में एंट्री होती है भारत के दो नए नवेले स्पिनर कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की। इन दोनों ही पार्ट टाइम स्पिनर्स ने लास्ट के 2-2 ओवर फेंके और अपनी टीम के लिए 2-2 विकेट छटका दिए, इस मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। और फिर भारतीय टीम के महान स्पिनर वासी सुंदर ने सुपर ओवर में कमाल करके दिखा दिया। तो दोस्तों, कैसे भारतीय टीम ने श्रीलंका की जबड़े से जीत को छीना, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। खैर, कल का मैच क्या गजब का मैच था यार, जानदार शानदार प्लस जबरदस्त। जहां से हम लोगों ने सोच लिया था कि यहां से श्रीलंका वाले आसानी से मैच जीतेंगे, वहां से नई टीम इंडिया के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसी पैंतरेबाजी कर डाली कि लंका की टीम वहीं ढह गई। अगर हम भारतीय टीम के जीत परसेंटेज की बात करें तो कहीं पर भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत जाएगी, ये हमारे साथ साथ आप सबको पता है। लेकिन लास्ट के 2 ओवरों में पहले रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में आके बॉलिंग की और उन्होंने 2 विकेट चटकाए, और उसके बाद स्वयं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 20वें ओवर में बॉलिंग करते हुए लंका के 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया और ये मैच टाई करवा दिया। और इसके बाद जब ये मैच सुपर ओवर में गया तो हमारे भारत के महान स्पिनर, जिनको अभी तक पूरे सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने आज तीसरे T20I मैच में क्या गजब की बॉलिंग की यार, मजा ही आ गया। वाशिंगटन सुंदर ने सुपर ओवर में कमाल की बॉलिंग करते हुए पहली गेंद में 1 रन दिया और दूसरी और तीसरी गेंद में विकेट लेकर इस मैच को खत्म कर दिया। लगातार हमारी भारतीय टीम ने श्रीलंका को 3 मैच में हरा के श्रीलंका को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। भारतीय टीम ने मंगलवार 23 जुलाई को श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा के ये मैच और सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को कैसे लगी हमारी वीडियो, अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं हम आप सभी से कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।